प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी, अभी सिल्वर जुबली हो गई आज है। 25 बार कहा है आपको कि इस तरह सोसाइटी में कुल्ले मत किया कीजिए। ए भाई, ए तुझे भी मैं 25 बार बोल चुका हूँ कि जब मैं कुल्ले करता हूँ उसी वक्त तू नीचे से क्यों गुजरता है भिंडी मास्टर। भिंडी मास्टर, भिंडी मास्टर, कई फायदा नहीं है बोलून, पेशिस तो माता रहा। ए भाई, ए ए ए रुक, ए रुक, रुक रुक रुक, तू ये हमेशा बेशिस्त माता रहा बोलते रहता है, उसका मतलब क्या है? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं, बोल के जा। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोल बोल के जा। ए ए सेवा किया, ये भिंडी मास्टर अभी बेशिस्त माता रहा बोल के गया, उसका मतलब क्या है? गंवार बुड्ढा। ए ए ए रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा भिंडी मास्टर। रुक रुक रुक, ए भिंडी, ए एक दिन इसके सर पे ही कुल्ले करूंगा। अरे टप्पू के पापा। अरे मैं तो, अरे मैं यहाँ हूँ। अरे मैं तो वहाँ बालकनी में जा रही थी। दया, रोज मैं दुकान जाने के लिए निकलता हूँ, तभी तो क्यों मुझे पीछे से टोकती है? मैं क्या करूँ, जब भी आप दुकान जाने के लिए निकलते हैं, तब भी मुझे आपको कुछ न कुछ बात बताने का याद आ जाता है। अच्छा बोलो, अभी आज क्या याद है, जल्दी बोलो बोलो। हाँ, आपने कल रात को मुझे 25 लाख रुपए दिए थे, वो मैंने सही सलामत जगह पर छुपा दिया है। बढ़िया, क्या आप बता सकते हैं वो पैसे मैंने कहाँ पे छुपाए हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आपने वो पैसे कहाँ छुपाए हैं? जरूर, लाल मिर्ची के डिब्बे के अंदर। मैंने कल ही तुम्हें मना किया था ना दया। हाँ वही मुझे याद आया, इसलिए पैसे मैंने वहाँ पर नहीं छुपाए हैं। तो कहाँ छुपाए हैं? वो पेपर की रद्दी होती है ना, उसके बीच में। ये डोबी, रद्दी के बीच में कोई 25 लाख रुपए छुपाता है, है? मान लो अगर तुमने वो रद्दी बेचने निकाली तो उसके साथ 25 लाख भी चला जाएंगे ना। मुझे वही याद आया, इसलिए मैंने पैसे वहाँ पर भी नहीं छुपाए हैं। तो फिर कहाँ छुपाए हैं? टप्पू की स्कूल बैग है ना, वहाँ नहीं छुपाए। अरे नहीं, उसमें ही छुपाए हैं। अक्कल है तुझे, अक्कल है? टप्पू स्कूल बैग लेके कल स्कूल जाएगा तो स्कूल बैग के अंदर वो 25 लाख भी स्कूल जाएंगे। अरे टप्पू को 2 महीने की छुट्टी है, तो 2 महीने तक स्कूल बैग घर पर ही रहेगी मेरी नजर के सामने। घर काम करते वक्त जब भी चेक करने का मन हुआ, देख लिया स्कूल बैग सामने है, सलामत है, फिर से घर काम करने लगूंगी। दोबारा चेक करने का मन हुआ तो देखा बैग ठीक ठाक है, फिर से घर काम करने लगूंगी। और अगर दोपहर को सोने का मन हुआ तो स्कूल बैग पहन के सो जाऊंगी। बोला बोला। अरे हाँ, बालकनी में जा रही थी ना। हाँ?
तो अभी क्या बाकी रह गया दया? अरे आपको जय जिनेंद्र कहना तो भूल ही गई। तो अभी यहाँ नहीं कह सकती है? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कैसी कैसी गेम खेलता है ये चोर पुलिस। अरे ये भी कोई गेम है खेलने की? इतना अच्छा सुविचार लिखता हूँ बोर्ड पर, लेकिन इस टप्पू पर उसका कोई असर नहीं है। कौन सा फ्लैट है वो? टेरेस फ्लैट, मोहनलाल नाम है उसका। बड़ी बड़ी कारों में घूमता है, पैसों की हेरा फेरी करता है, बहुत माल है उस घर में। अच्छा चलो, एक अमीर को गरीब बनाते हैं। लेकिन बॉस, दोबारा इसी सोसाइटी में चोरी करना कोई खतरा तो नहीं है? ये बंद खिड़की, जब तक एक जगह तीन बार चोरी नहीं करूं तो मेरा खाना हजम नहीं होता है। चल। बॉस, सोसाइटी में कोई नहीं दिख रहा है, फटाफट अपना काम खत्म करके यहाँ से कल्टी खाते हैं। चलो। अरे बंद खिड़की, चलना जल्दी, चल जल्दी चल। अरे अरे सॉरी अंकल। कहाँ गया होगा? चलो वहाँ चलते हैं। आ चलो, चलो। या बस एक और ये दो, तीन, चार, पांच, पांच पेटी का धंधा। कल पांच पेटी का हो जाएगा, ये हफ्ते का कोटा पूरा। ये क्या भैया, अब 250 भाव कैसे कर दिया आपने? हाँ, टप्पू के पापा की दुकान के पास तो 300 रुपए दर्जन मिलता है। अरे चुप, जिस तरह हम लोग अंदर आए पता नहीं चलता हम लोग चोर हैं। चोर? अबे तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? अबे कोई भी हो तू, तेरे से कोई लेना देना नहीं है, समझा? हमको केवल माल से मतलब है। माल? अबे तेरे बाप का माल नहीं है। अबे देख, तू गलत आदमी से पंगा ले रहा है। हाँ। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? हाँ, जानते। कल कल अखबार और टीवी से जान लेंगे। औलाद निकालना, ये रेस्ट बेस्ट निकाल, ये फटाफट कर बे। काल मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, निकाल। अबे तो सेठ की औलाद है। नाड़ा बांध के देख, वो निकाल उसको। ये ए, इसका चेन निकाल, ए, इसका ये घड़ी निकाल, घड़ी निकाल, घड़ी निकाल। बॉस, ए सब उठा लिया मान। ये तो छुचुंदर अच्छा नहीं होगा, क्या कर लेगा भी? अबे जा बे, चल निकल निकल। मेरे घर में मुझे ही लूट कर ले गया। अबे सोसाइटी में मेरी नाक कटवा दी, सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देखो भैया, मैंने इन सबको आपके आम की तारीफ की थी, इसलिए मेरी जबान पे ये लोग आम लेने के लिए आए हैं। अब वाजिब दाम में दो तो सारे लोग दो दो डजन लेंगे। तो 210 के हिसाब से ले लो मैडम।
डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे ए, 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 भाई देख के चलो यार, क्या कर क्या रहे हो? तुम्हारे ये बेशिस्ता चोर, चोर, ये भाग रहे हैं, चोर, 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 बाबा, ये चल पकड़। अभी उनके होली से तो वो चोर लग रहे थे। चोर? चोर! 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 शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे दया भाभी, वो चोर भाग गए, अभी चिल्लाने से क्या फायदा? लेकिन ये चोर किसके घर में चोरी करने आए थे? मैंने उन्हें मोहन अंकल के विंग में जाते हुए देखा था। नहीं नहीं नहीं, मेरे घर पे नहीं आए थे। अरे वो जिस किसी के भी घर पे आया हो, लेकिन चोरी हुई है। हाँ। हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट की क्या जरूरत है? अरे मोहन भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी कल अंजलि भाभी की चेन चोरी हो गई थी, तो आपने तो पुलिस पे कंप्लेंट की थी। आज तो फायरिंग हुई है, फायरिंग। हमें पुलिस पे कंप्लेंट करनी चाहिए। अरे अंजलि भाभी, मैं हूँ ना, डरने की कोई बात नहीं है। मोहन भाई आप हैं, पर मेरे ख्याल से आज तो पुलिस कंप्लेंट करनी ही चाहिए, है ना? हाँ हाँ, सोसाइटी के सेफ्टी का सवाल है। वही तो। ओके ओके, ऐसी बात है तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर देता हूँ। ओके ठीक है, तो मैं जरा तारक को फोन करके आती हूँ। हाँ हाँ, मैं टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। चलो चलो जल्दी, हम ध्यान रखना। सब लोग साथ में रहना, कोई डरना नहीं है। अभी कोई डरना नहीं, सब लोग साथ में। हाँ अग्रवाल जी, हाँ तो वो 42 इंच का भेज दो ना। तीन, हाँ ठीक है ठीक है, भिजवा देता हूँ। हाँ एड्रेस दिया आपने? हाँ बोले बोले। ये लो नटू काका, आप बोल रहे थे ना 42 इंच का माल बिकता ही नहीं है, ये देखो आज एक ही दिन में 3-3 पीस का ऑर्डर है। अरे वाह सेठ जी, मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। थैंक यू। तो इस महीने से मेरी पगार बढ़ जाएगी ना? नटू काका, पिछले महीने धंधा कम हुआ था मंदी की वजह से, तो अभी मैंने आपको पूरी पगार दी थी है? तो अभी पिछले महीने का और ये महीने का हिसाब करेंगे तो सब फिट हो। आपने मुझे कुछ कहा? मैं ये कह रहा था इस महीने आपको पगार नहीं मिलेगी। मजाक मत कीजिए। अभी ये कैसा सुनाई दिया? नटू काका भी आइटम है। हेलो टप्पू के पापा, हमारे यहाँ चोरी हो गई है। क्या? हाँ, और गोली भी चली। क्या? हाँ। तू फोन रख, मैं अभी आता हूँ। नटू काका, मैं घर जा रहा हूँ, दुकान संभालिए, हमारे घर पर चोरी हो गई है। चोरी तो हो गई, अब घर जाके क्या करेंगे? अरे नटू काका, जितना बोला उतना करो। भगवान यार, मेरे को भी नहीं पता था। चाचा जी यार, ऐसे आए थे, लेकिन जो भी आया हूँ। चोरी हुई कहाँ? अरे हमारे गांव में तो 5 मिनट में पुलिस आ जाती है। और चाचा जी, पर गांव की पुलिस यहाँ नहीं बुला सकते ना? ओए पापा जी, और कमाल है हमारी पुलिस भी, हैं? सुबह चोरी होती है, शाम तक आती नहीं है। अरे सोड़ी, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। देखा क्या जमाना आ गया है, अभी दिन दहाड़े हमारी सोसाइटी में चोरियां होने लगी है, गोलियां चलने लगी है। हाँ वही तो, कल भी जब अंजलि भाभी का चैन चोरी हो गया तब 3 चोर स्कूटर पर आए थे, और आज भी 3 चोर स्कूटर पर ही आए थे। कहीं ये वही चोर तो नहीं है? और अब्दुल, जब चैन चोर आ जाए तब भी तुम यहाँ पर नहीं थे, पर आज जब चोर आए और इतना गोलीबारी हो गया तब भी तुम यहाँ पर नहीं थे। यही तो, वो क्या है ना, चोर लोग ना प्लान करके आते हैं। कल मेरी दुकान बंद थी तो लोग आए, आज मैं सामान लेने के लिए मैं बाहर गया तो लोग आए।
अगर मुझे दिखते ना तो उनको पकड़ के मार मार के अचार बना देता। हाँ अब्दुल बहुत अच्छा होता, वो अचार माधवी पापी के काम आ जाता। अरे तो हाथ ऊपर करने पर इतने लोग में दिखाई नहीं दे रही है। पता क्या चोरी हुआ? पता नहीं। पता नहीं मतलब चोरी हुई तभी घर पर नहीं थी तू? नहीं। दया कितनी बार तुझे बोला है कि घर में रहा कर। अरे लेकिन हमारे घर पर चोरी नहीं हुई है। क्या? हाँ। तो फोन पे मुझे ऐसा क्यों बोला कि हमारे यहाँ चोरी हुई है? अरे हमारे मतलब हमारी सोसाइटी में चोरी हुई है। हे भगवान दया, मैं कितना टेंशन में भाग के आया हूँ तुझे पता है, और दुकान ऐसे कैसे छोड़ के आया हूँ मैं। अच्छा अभी हमारे घर पे नहीं तो किधर चोरी हुई? अरे जेठापरा वही तो टेंशन है, पता नहीं चल रहा किसके घर पे चोरी हुई है। ये क्या बात है, मतलब चोरी हुई वो पता है लेकिन किसके इधर चोरी वो पता नहीं है। मैंने उन चोरों को मोहन भाई के विंग से निकलते हुए देखा था। मोहन भाई कहीं आपके घर पे तो वो? नहीं नहीं नहीं, मेरे घर चोर आ ही नहीं सकता। बिल्कुल यार, मेरा तो नेम प्लेट पढ़कर अच्छे अच्छे लोग भाग जाते हैं, आप तो जानते ही हैं। अरे दो तीन बार मैं खुद भागा हुआ हूँ। अरे लेकिन ये अच्छे लोग नहीं है ना। क्या भाई है? क्या मतलब क्या तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरों की बात कर रहा हूँ। तो अभी आप लोग इधर ऐसे लटक के क्यों खड़े हो? ए बाबू चक, सब लोग पुलिस की राह देख रहे हैं। तो फोन किया पुलिस को कि ऐसे ही खाली राह देख के खड़े? अच्छा हुआ हमारे घर चोरी नहीं हुई। हाँ। अरे सब अचार की थैलियाँ मैंने बाहर ही रखी थी, चुरा लेता तो चोर के दांत खट्टे हो जाते। और क्या क्या माधवी भाभी, अभी ये टाइम है सब अचार का बात करने का? वैसे मेरे घर में ज्यादा कुछ है नहीं, पर डर तो लगता है ना। हाँ घर में कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन हाथी भाई के पास बहुत ज्यादा है, और वो तो अभी पुणे गए बराबर है। अरे पुलिस ही रहा देख। अरे आप भी आओ। तो पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। ब्रेकिंग न्यूज, गोकुल धाम सोसाइटी में जो अब तक नहीं हुआ वैसी दो बड़ी घटनाएं हो गई। पहली घटना तो शेर की मान में जाके उसकी मूंछ खेसने जैसी है। अरे मोहन लाल के घर में, मटका किंग मोहन लाल के घर के अंदर चोरी हो गई। और दूसरी घटना तो कमाल की हुई, अब तक गोकुल धाम सोसाइटी में पटाखे छूटते थे, अब फायरिंग होने लगी, बंदूकें चल गई, वो भी बच्चों के सामने। समझ में नहीं आता कि बच्चों के सामने इन दिनों क्या क्या होने लगा है। माँ बाप भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं और ऐसी ऐसी बातें कर बैठते हैं बच्चों के सामने जो नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में गर्मी और गोकुल धाम सोसाइटी में टेंशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपके लिए हम एक ही चीज बढ़ाएंगे, आपके होठों की मुस्कुराहट और ठहाके। हमारे साथ रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.